15 अगस्त को लेकर अलर्ट हुई दिल्ली पुलिस, कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बुलाई अफसरों की बैठक। पूर्व इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी वेंटिलेटर पर, सुनील गावस्कर करते हैं मदद, अब परिवार ने सरकार से की गुहार। जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकती है संसद की लोक लेखा समिति, कारगिल में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। चौबीस घंटे के अंदर ही अपने फैसले से पलटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब 16 अगस्त से नहीं शुरू होंगी ऑफलाइन कक्षाएं। बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर ममता बनर्जी की सियासत, अन्य तरीके से लागू करने पर जताई सहमति। राकेश टिकैत पर भड़के साक्षी महाराज, बोले अभी से खूब करें तेल मालिश और जितनी ताकत लगा सकते हैं 2022 में लगा। सीएम योगी ने ली चुटकी, कहा प्रियंका गांधी इंटरनेशनल नेता हैं, यूपी से ज्यादा इटली गई होंगी। भारत में सक्रिय आईएएस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, एक साल तक चले ऑपरेशन के बाद एजेंसियों को मिली कामयाबी। सीएम नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान ने कही बड़ी बात, विधानसभा चुनाव को लेकर की भविष्यवाणी। बीजेपी एमपी साक्षी महाराज का अखिलेश पर तंज, बोले हम राफेल उड़ा रहे हैं, उन्हें साइकिल चलाने दो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।